खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस जिस तरह से पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करती है, तो कुछ पुलिसकर्मी आपराधिक लोगों का साथ देकर तोड़ते हैं पीड़ितों का भरोसा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हमारे साथ में पीड़ित खड़े हैं हरदोई से, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला, किस तरीके से उनका जो मुकदमा लिखा, जिस तरह से उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, पुलिस ने इनकी मदद तो की लेकिन आखिरकार किसने इनके साथ में विश्वासघात किया और किस तरह से इनकी जो न्याय पाने की आस थी उसको भी तोड़ दिया। जानते हैं इनसे पूरा मामला कहाँ का, हरदोई का है और क्या नाम है। क्या नाम है आपका? ब्रजकिशोर मित्रा। तो ब्रजकिशोर जी, कौन सा थाना लगता है, क्या गांव है और क्या मामला है? थाना हरियावा हमारा लगा, जिला हरदोई, गांव बदौरा। तो क्या मामला आपका? मामला जो है कि हमने रिपोर्ट करी रहा इन पर मुकदमा, पुलिस कायम कर दो। पैसा लेके तीन मुलजिम काट देने, अच्छा। जो मैन मुलजिम होते वही काट देने। इन हम कहा रहे साहब, हमारे मुलजिम जाइए मैन जो करिए ना पे, हमारी सुने ना, सीओ कप्तान थी सबके तिर हम गए अप्लीकेशन, डी आई जी के तिल लगाए अप्लीकेशन पर, पुलिस ना ये कहो ना हमें फ़ोन करे ना हमें बुलाओ कि बल्कि हम पैसा हम पर मांगे ना, पैसा हम दे नहीं पाए, पहले हमारे मुलजिम भी काट दे गए। अच्छा, तो आखिरकार क्यों विवाद हुआ, क्या वजह रही जो जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया, क्या सोची समझी साजिश थी ये? सोची समझी साजिश जा रहा है कि प्रधान, पुराने प्रधान की हमारी रंजिश चलती रहा है कि उनने पैसा दे के इन्हें मरवान, हम तारीख करके जा रहे हैं हरदोई ते घर का। अच्छा। कि 6 बजे जाई वहाँ थाने ते बांध बूंद के पैसा ऐसा दे के हमारे 3 बजे दिन ते मरीबे प्लानिंग बना लेने कि हम जैसे घर पहुँचे तैसे जे एकदम सब अपने घर का जा रहे ना, रास्ते मंदिर है हमारे मोहरा पर यहाँ, तो जे मोहरे पर यहाँ सबजन एकदम खपड़ी पर लाठी हमारे मारे सब जन लाइक। हाँ, कुलदीप, शशांक, शिवाकांत अब जे सब जन मानने लगे, हम ठोरे पर गिर गए बेहोश हुई गए। फिर हमारे जे तले आए गए हमारे अर्जुन बटैर हमारे और उपदेव उन्हों के इन लाठी मार देने वही गिर गए। फिर हमारे भाई आए और जे वही हते सोमू जे सब जन हमें बचाए लोन, तब जे भजे हुआ तेरे। तो यानी कि अब क्या मांग है आपकी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और पुलिस प्रशासन से? मांग हमारी जा है कि हमारी सही उचित जांच करी जाए, मुलजिम में कब कारण जाए और बाकी विवेचना करें, हम पर जो फर्जी के लगाओ वो वापस लें। अच्छा, आपको आपकी गिरफ्तारी की मांग है और जो आपके ऊपर मुकदमा एक दर्ज हुआ जिसे आप फर्जी बता रहे हैं, आखिरकार किस पुलिस ने क्यों आपके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया, उस वक्त कहाँ थे आप? हम उत्पकल मेडिकल कॉलेज भर्ती रहा। अच्छा, इसी चोट को लेकर 17 तारीख का मेडिकल कॉलेज का हम आएगा ना शाम कहीं यहाँ, हम पर 19 तारीख का मुकदमा लिखोगे। अच्छा, तो किसके द्वारा लिखा गया? जो प्रधान और उनके सबके नेता लोग आरोपी थे। हाँ, इनके दबाव थे, इनके आरोपी जाए के दबाई से लिखा उन्हें पर पैसा दे के मुकदमा। ठीक ठीक, तो ये थे हमारे साथ में ब्रजकिशोर मिश्रा, हरदोई जिले के दरियाव थाना क्षेत्र से आए हुए, जहाँ इन्होंने बताया जिस तरीके से इनके साथ सनसनीखेज घटना की वारदात घटी और उसके बाद किस तरह से थाने ने इनकी मदद भी की, मुकदमा दर्ज किया, इनको भेजा यहाँ ट्रामा सेंटर क्योंकि इनकी हालत नाजुक थी, इनका हरदोई में किसी प्रकार से कोई इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद 19 तारीख को इनके ऊपर दबाव बनाने को लेकर के क्रॉस एफआईआर दर्ज हो गई। आपको एक बात बता दें कि कानूनन अगर कोई पीड़ित के ऊपर क्रॉस एफआईआर दर्ज कराता है तो उसका निलंबन और बर्खास्तगी पुलिस अधिकारी की हो जाती है और कहीं ना कहीं जो ये आरोप लगा रहे हैं किस तरह से पुलिस प्रशासन दे रहे हैं छूट आरोपियों को जो इनके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा था। इनकी मांग है कि इनकी जांच विवेचना इनके मामले की कोई और पुलिसकर्मी अधिकारी करे और जिस तरह से जो छूट 3 आरोपियों को पुलिसकर्मियों ने दी है, वो जो आरोपी उनका क्या नाम है जिनको छूट दी गई है, जो मुख्य आप बता रहे हैं? शशांक व कुलदीप, शशांक और शिवाकांत जी। तो ये 3 जो आरोपी हैं ये इनके साथ में ही इन्होंने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया था और जो 3 इनके साथी थे उनके ऊपर कहीं ना
कहीं लोग खेल खेल कर अपना काम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर कहीं बहुत सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं पीड़ित सवाल या निशान खड़े कर देते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनको न्याय दिलाएंगे और उत्तर प्रदेश का हरदोई का पुलिस प्रशासन इनकी मदद करेगा और जो इनके ऊपर हमलावर थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने की कोशिश करेगा। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, आपकी भी कोई ना सुने।